वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋषिका वर्मा आपको 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता भी चुकी हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। हमने 3 रिएक्शन पढ़ भी ली है जो कि पिछले वीडियो में। अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक सेंड कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी। क्या बताया था मैंने उसमें? डिस्प्लेस होना यानी कि हटना नहीं रिएक्शन से, थोड़ा सा आगे या पीछे होके शिफ्ट हो जाना। सेम डबल डिस्प्लेसमेंट, अब आप समझ रहे होंगे वही मीनिंग होता है ना, डिस्प्लेस हो जाना यानी डबल में होकर। तो ये थोड़ा सा आपका, अगर आप अगर ये सोच रहे हैं तो ये गलत सोच है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या चीज गलत है। तो फिर मैं आपको एक रिएक्शन दे देती हूँ, देखते स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका मैंने एग्जांपल लिया है Na2SO4 plus BaCl2, जिससे हमें क्या प्रोडक्ट मिला, क्या सब्सटेंस मिला, तो BaSO4 plus 2NaCl, ये हमें प्रोडक्ट मिला। देखिए Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट है, मतलब कि क्या है, दो केमिकल उसमें मिक्स है, यानी कि एक सॉल्यूशन है वो, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है। सेम BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड Ba, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या, जो हमारे पास B से बहुत 3-4 सब्सटेंस है, तो आप ध्यान से देखो, Be का मतलब होता है बेरिलियम। प्लीज आप बहुत केयरफुली देखें, क्योंकि अक्सर बच्चे मिस्टेक करते बी को, Ba को बोरोन लिख देते, मतलब बहुत सारे मिस्टेक होती। तो मैं आपको बता देती हूँ, बी यानी बोरोन होता है, Ba यानी बेरियम होता है। प्लीज आप ये चीज तो दिमाग में बिठा ही लीजिए, ओके? ये 3 जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसे आप प्लीज दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि ये चीज ये होती है, ताकि यहाँ मिस्टेक ना हो, ओके? तो सोडियम सल्फेट प्लस तो बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम बेरियम सल्फेट बनाएंगे, जो कि क्या हो, सॉलिड बनेगा, है ना। दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक सॉलिड बनाएंगे, और जो 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है वो दो मात्रा में बनेगी, यानी कि दो गुना बनेगी, ओके? दो गुना, डबल है ना यहाँ पे, तो दो गुना बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉलिड बनने के बाद ये दो गुना अपना बच जाएगा। इन दोनों के रिएक्शन में ये सॉलिड बनेगा, यानी कि दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर क्या बनाएंगे, एक सॉलिड बनाएंगे। तो और जो भी बन गया, अब कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, तो वो जो बचेगा वो क्या, कितना बचेगा, दो गुना बचेगा, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट्स लिए हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्टेंट, ऐसी मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट हो, सच अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एक्सचेंज आयन बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है, यानी कि जो दो अपने जिसके हम रिएक्शन करा रहे हैं, वो अपने आयन एक्सचेंज कर, देखो इसने क्या करा, SO4 इसको दे दिया और Cl2 इससे ले लिया, देख रहे हो आप, यहाँ पे SO4 जो अपना Na2 के साथ था वो इसे मिल गया, और जो Na2 था वो इसे इसको मिल गया Cl2 को, ठीक है। तो ये अपना क्या बना, 2NaCl बना, ओके स्टूडेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस अपने मतलब जिसमें ऐसे रिएक्टेंट्स जो अपने आयंस को चेंज करें, वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पर खत्म होती है। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड फॉलो मी।